और आपको बताएं कि क्रिसमस के दिन मसीही ब्रादरी बड़े एहतमाम से ट्री सजाती है। इस ट्री की तारीख क्या है, बता रही हैं आयशा आता अपनी रिपोर्ट में। क्रिसमस का त्यौहार लाया रंगों की बहार, मसीही बरादरी की खुशियां काबिले तीत हैं। इस खास त्यौहार पर क्रिसमस ट्री को बरकी कुमकुमों से सजाना और इस पर खूबसूरत अशिया लगाना मसीही बरादरी की रवायत है। तारीख बताती है कि 15वीं सदी में ट्री को सजाने का रिवाज शुरू हुआ। एक औरत और एक बच्ची जो थे, उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों को, बच्चों को देखा जो कि क्रिसमस के वक्त जो थे वो भूखे थे, तो उन्होंने चाहा कि वो उनकी मदद करे, तो उन्होंने इस तरह से एक ट्री को सजाया और उस पर मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो गिफ्ट के तौर पर लगाई, और बच्चे जब आए उन्होंने उस चीज़ों को उतारा तो उनके लिए वो बड़ा खुशी का मौका था। लाहौर के रिहायशी समरान गिल, जिन्होंने 7 फुट का क्रिसमस ट्री घर में सजाया है, बॉल्स, गिफ्ट बॉक्सेस, बेल्स हैं तो कहीं परियों की झलक ट्री पर दिखाई देती है। खुशी का सिंबल है और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, और ऊपर जो भी ऑर्नामेंट्स लगाते हैं ये हमारी खुशी को मजीद इंक्रीज करता है। ऐसे में घर की खवातीन भी अपनों के साथ खुशियां बांटती और ट्री को सजाती दिखाई देती हैं। विदाउट क्रिसमस ट्री किसी हद तक कह सकते हैं कि थोड़ी फीकी फीकी सी हो जाती है हमारी क्रिसमस की खुशियाँ। घरों में सांता क्लॉस के मॉडल्स लगाना और बरकी कुमकुमों से सजाना भी क्रिसमस की खास बात है। मसीही बरादरी का मानना है कि नए आने वाले साल में क्रिसमस ट्री को सजाने से न सिर्फ इनकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं बल्कि इनकी जिंदगियों में खुशियां भी आती हैं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता समा, लाहौर।